नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। तो जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है PGIMS रोहतक की BSc नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग और BPT MPT कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वो शेड्यूल आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस किस स्टेट को किस किस कैटेगरी की काउंसलिंग है, और आपको बताएंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और EWS कैटेगरी की काउंसलिंग है वो भी इसमें साथ में ही होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दिस इज़ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल कंसर्न दैट सेकेंड राउंड काउंसलिंग ऑफ फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग, नर्सिंग प्रैक्टिशनर, क्रिटिकल केयर, BPT MPT कोर्सेज फॉर एकेडमिक सेशन 2019-20 इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तो जो वेन्यू ऑफ काउंसलिंग है वो सेम ही है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की तरह, कमेटी रूम, डायरेक्टर्स ऑफिस, PGIMS रोहतक। और 9 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना होगा, और साथ में आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं अपने 10th 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमोसाइल का सर्टिफिकेट, और अगर आपका कोई कैटेगरी है जैसे BCA, BCB या EWS कैटेगरी है तो आपको वो आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट और जो साथ लेके जाना होगा, और फोटोकॉपी भी लेके जानी होगी उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो आप ओरिजिनल लेके जा रहे हैं। और जो शेड्यूल है वो 26 नवंबर को BPT और BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और MSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट वैकेंट है उनकी काउंसलिंग होगी 26 नवंबर को 9 बजे। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो आप इनवाइट किए हैं PGIMS ने। 27 नवंबर को जो आपकी काउंसलिंग होगी वो BSc नर्सिंग और BPT और पैरामेडिकल कोर्सेज के सीट्स के लिए होगी जो प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, और इनमें भी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को इनवाइट किया है। और 28 नवंबर को पोस्ट बेसिक, BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग की काउंसलिंग होगी, इसमें भी सभी कैंडिडेट को जो है इनवाइट किया है। और जो वैकेंट सीट है फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी की, विल फिल्ड फ्रॉम द ESM और डिपेंडेंट ऑफ FF कैटेगरी इन कन्वर्जन ऑफ, ये जो सीटें हैं ये फिल की जाएगी सेकंड राउंड में अगर कोई कैंडिडेट होता है। और मोपअप जो राउंड काउंसलिंग होगी उसमें ये सीटें अगर फिल हो नहीं हुई तो जनरल कैटेगरी में इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी है। और जो भी कैंडिडेट हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलरली अपडेट कर देखते रहें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको सभी जानकारियां मिलेगी काउंसलिंग के रिलेटेड, और जितने भी कैंडिडेट हैं वो 9 बजे ज़रूर पहुंच जाएं काउंसलिंग वेन्यू पर, और साथ में 10th 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपने साथ ले जाएँ, और जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ले जाएँ। और जो BCA, BCB और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट जो एडमिशन चाहते हैं इन कैटेगरीज में, वो अपने साथ जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया हुआ है वो साथ में ज़रूर लेके जाएं। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनका एडमिशन उन कैटेगरी में नहीं होगा। तो आप अपने EWS की जो काउंसलिंग है वो होगी, तो आप अपना EWS कैटेगरी का काउंसलिंग जो सर्टिफिकेट है वो साथ लेके जाइएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी कैंडिडेट्स को पता चल जाए कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।